कल ही फाइनल का मैच है, डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है, पर मुझे लगता है इस बार इंडिया का पलड़ा भारी है। देखिए मैच की, जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है इंडिया एक भी मैच नहीं हारी है, और टीम टीम का जो कॉम्बिनेशन है अभी बहुत अच्छा है। ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे लगता है आपने भी अभी तक का नहीं देखा होगा, फिर चाहे वो कोई भी बैट्समैन हो कोई भी बॉलर हो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जहां आप नेगेटिव ले सके और किसी को क्रिटिसाइज कर सके। तो इस बार टीम बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही है, और मेन फायदा यह है कि होम ग्राउंड है अहमदाबाद, तो यहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत है, और मुझे लगता है पिच शायद स्लो है, तो मुझे लगता है स्पिनर को बहुत हेल्प करेगी। और आशा करते हैं कि कल का मैच है बहुत ही अच्छा रहे और इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। वैसे अब सभी प्लेयर फॉर्म में है, रविंद्र जाडेजा की बात की जाए तो एक ऑलराउंडर के तौर पर वो भी सबसे ज्यादा विकेट इस स्पिनर के तौर पर ले चुके हैं भारत की ओर से, किस तरह से आप देख रहे हैं और इस मैच के बारे में उनकी ओर से क्या उम्मीद रखे हैं? देखिए अभी तक जैसा सोचा था, जैसी मैं एक्सपेक्टेशन रख रही थी, प्रार्थना भी की थी माता रानी से कि अच्छा जाए उसका वर्ल्ड कप, और वैसे ही अभी तक बहुत अच्छा रहा है। आपने पिछला मैच देखा, 5 विकेटें भी निकाली है, पिछले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बहुत अच्छे कैचेस किए हैं, तो जैसी अपेक्षा थी अभी तक तो वैसा ही रहा है। और मैं प्रार्थना करती हूँ और माता रानी से कि कल का मैच भी उसके लिए बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि कल फाइनल खेल रहे हैं, तो वो जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे डायरेक्टली इंडिया को ही बेनिफिट है। तो बस यही आशा करते हैं कि अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एज अ ऑलराउंडर, तो कल जब जरूरत हो तब विकेट चटकाए, और जहाँ जरूरत हो तब कैच ले, और अगर जरूरत पड़े तो बैटिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे। इन द सेंस कि ऑलराउंडर के तौर पर कल अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो डेफिनेटली वो टीम के लिए बेनिफिट है। क्या कोई मन्नतें मांगी है? बहुत विश्वास है आपको माता रानी जी, के ऊपर? मुझे मैं हमारी कुलदेवी है माता नो मढ़ माँ आशापुरा, मुझे उस पर अपार विश्वास है। कुछ भी हो तो मैं उनको ही बताती हूँ। जब से वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी तभी मैंने उनसे प्रार्थना की थी और मन्नत रखी थी कि इस बार का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जाए, खास करके रविंद्र के लिए, क्योंकि अभी तक हम 2 बार वर्ल्ड कप खेल चुके हैं पर अनफॉर्चुनेटली हमें हाथ नहीं लगा है। तो इस बार टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और शुरुआत से ही हमने यही प्रार्थना की थी कि इस बार का वर्ल्ड कप इंडिया लेकर आए और रविंद्र के नाम का डंका बजे। बस यही मेरी आशा थी जो अभी तक तो माँ भगवती ने सुनी है, और बस कल का फाइनल मैच है। अभी तक मैं यही प्रार्थना करूंगी उनसे कि अभी तक आपने नैया पार लगा दिए, कल फाइनली नैया पार लगा दे। आईपीएल का फाइनल भी रविंद्र जडेजा ने जिताया था यहाँ अहमदाबाद में, ये भी उम्मीद है इस बार क्या? जी देखिए वो आईपीएल था, हर एक मैच को देखने का नजरिया अलग रहता है, वो आईपीएल था हमने वो देखा, पर मुझे लगता है कल के मैच में चाहे जड्डू हो या चाहे इंडियन कोई भी प्लेयर हो, मुझे लगता है उनका फोकस ऐसा ही रहेगा कि जैसे हम वर्ल्ड कप की शुरुआत में खेले थे। तो डेफिनेटली प्रेशर दोनों टीम पर है, पर आशा करते हैं कि इंडिया टीम इस बार जो अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है वो कल का मैच भी नहीं हारे और इस वर्ल्ड कप लेकर आए। देखिए कल पिच कैसी होगी, कल ही पता चलेगा, किसको बेनिफिट करेगी ज़्यादा ये भी कल पता चलेगा, पर अभी तक जैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छी टीम है, लास्ट मैच में अगर बात करें मैक्सवेल घायल हो गए थे फिर भी कितना अच्छा अपनी टीम के लिए आउटपुट दिया, तो इट्स अ चैलेंजिंग, पर मुझे लगता है कि इंडिया का पलड़ा भारी है, पर फिर भी ये गेम है तो इसको टेक इट ईजी नहीं ले सकते, क्योंकि 1 या 2 ओवर में ही पूरा मैच पलट जाता है और कभी कभी बॉल में भी पलट जाता है। तो आशा करते हैं कि कल का मैच जो इंडिया टीम, मुझे लगता है हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं, बाकी अभी तक तो इंडिया टीम की स्ट्रेटजी भी बन चुकी होगी।